आज ना गाइस चलो कुछ अलग तरीके से ना बर्गर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज और स्वीट कॉर्न। अगर आपके घर पे पनीर या मशरूम अवेलेबल है ना तो आप वो भी ऐड कर दो इसमें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च, और काली मिर्च अगर नहीं हो ना तो अगर ऑरिगेनो है ना तो वो आप डाल सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली डाल दो, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 से 3 चम्मच मेयोनीज। उसके बाद ना बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। वैसे गाइस आप कौन से शहर से या गांव से मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सबको थैंक्स बोल सकूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो मिक्स करने के बाद ना मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्गर, और बर्गर को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद ना दोनों साइड में ना जो हमने मिक्सर बन के रखा था वो आप इसमें डाल दीजिए। सारा जो मिक्सर है मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके ऊपर से मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी है। आप जितना हो सके इसमें वेजीज डाल दिए। आप घर पे अगर कोई ऐसा है जो वेजीज नहीं खाता है, ये बेस्ट आइडिया है उनको वेजीज खिलाने का। अब बस 2 से 3 मिनट इसे गर्म तवे पे सेक लीजिए, और आपका खुला हुआ बर्गर एकदम रेडी हो गया। बहुत टेस्टी है एंड बहुत हेल्दी है। आप ट्राई करो और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।